तो फ्रेंड आज मैंने बनाया है पीटा ब्रेड, बहुत ही मज़े का बनता है। तो ये देखें, पहले मैं आपको दिखा दूं, ये देखें कितना अच्छे से बना है। आप इसके अंदर सैलेड वगैरह भी रख के खा सकते हैं, आप इसको सालन के साथ भी खा सकते हैं, आप इसका शवारमा भी बना सकते हैं, जो आपको पसंद है वो आप बना सकते हैं इजी होके। तो चलें मिलके देखते हैं कि आज की वीडियो में मैंने पीटा ब्रेड कैसे किस तरीके से बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी तबीयत भी काफ़ी पहले से बेहतर है। तो आज मैं बनाऊँगी पीटा ब्रेड, बहुत इजी और आसान तरीके से बनाऊँगी। तो चलें शुरू करते हैं कि मैं किस तरीके से पीटा ब्रेड बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले ली है, तो इसके अंदर सबसे पहले मैं 4 कप मैदा डालूँगी। उसके बाद मैं डालूंगी नमक 1 चम्मच, एक चम्मच भर के यीस्ट डालूंगी। अगर आपकी पुरानी है तो फिर थोड़ी सी ज़्यादा डालें, अगर नहीं मतलब 1 मंथ पुरानी है तो फिर 1.5 चम्मच डालें, और अगर 1 मंथ से पहले की आपने खरीदी हुई है तो फिर वो आप 1 चम्मच ही ऐड कर सकते हैं इसमें। तो अब इसके अंदर 1 चम्मच शुगर, तो बस इनको पहले अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। और 2 चम्मच हमने इसके अंदर ऑयल डालना है। तो बस अब हम इसके अंदर नीम गरम पानी जो है उससे ये सारी डो रेडी कर लेंगे। तो बिस्मिल्लाह, जब हमें हाथ की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम हाथ से इसको अच्छे से गूंदेंगे आटे को। अभी फ़िलहाल मैं चम्मच के साथ इसको मिक्स करूँगी। तो ये देखिए मैंने हाथ की मदद से इसको 5 मिनट तक अच्छे से हाथ के साथ मसल लिया है। तो अब हम इसके ऊपर फाइल पेपर लगा के 2 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर में। जब ये डबल हो जाएगा तो फिर हम पीटा ब्रेड बनाना शुरू करेंगे। अभी हमने डो रेडी की है इसकी। तो चलें 2 घंटे के बाद दोबारा मिलते हैं आपसे। तो वेलकम बैक, हमारे 2 से 2.5 घंटे हो गए हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से ये डबल हो गया हुआ है, ये देखें। तो अब इसको मैं पहले अच्छे से मिक्स करती हूँ, थोड़ा सा गूंदती हूँ इसको। तो बस अब इसके हम पेड़े बनाएंगे, तो पेड़े बना के तो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आटा थोड़ा सा डस्ट कर लेते हैं और इसको निकालते हैं। बस इसके पेड़े पहले बना लेते हैं। तो ये देखिए मैंने 7 पेड़े बना लिए। तो अब इनको बना के हम 5 5 मिनट ऐसे छोड़ देंगे कवर करके, प्लास्टिक का कवर करके इसके ऊपर फाइल पेपर का। तो बस 5 मिनट के लिए इसको ऐसे छोड़ देंगे। तो चलें 5 मिनट के बाद मिलते हैं। तो 5 मिनट हो गए हैं, तब इनका हम कवर उतारेंगे और इसमें से एक पेड़ा हम लेंगे। बिस्मिल्लाह, और पहले यहाँ पे आटा डस्ट करेंगे। तो बस इसको हम बेलेंगे।
बिल्कुल हल्के हाथ से हमने इसको बेलना है, बिल्कुल दबा के हमने इसको बेलना नहीं है। ये बहुत ही मज़े के होते हैं, आप इसको दाल के साथ भी खा सकते हैं, निहारी के साथ भी खा सकते हैं, कोई भी जो शोरबे वाला सालन होता है उसके साथ खाएंगे बहुत मज़ा आएगा। और इसका आप शवारमा भी बना सकते हैं, रैप भी बना सकते हैं, जो आपको पसंद हो। तो बस हमने रोटी बेल ली है, तो बस इसको एक प्लेट में रख के फिर कवर करके हमने 5 मिनट के लिए रख देना है ताकि ये थोड़ी सी फूल जाए। तो ये हमने प्लेट ली, अब इसके अंदर हम इसको रखेंगे ऐसे, तो इसको कवर करके 5 मिनट के लिए फिर दोबारा हम रख देंगे ताकि ये रोटी जो है फूल जाए थोड़ी सी, फिर हम इसको पकाएंगे। तो 5 मिनट के बाद मिलते हैं। तो हमारे 5 मिनट हो गए, तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छे से ये फूल गई है, और सेम इसी तरह मैंने सारी रोटियां बना ली थी। तो चलें अब इनको पकाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने तवा रख लिया है, तो बिल्कुल मीडियम पे हमने रखना है फ्लेम, ज़्यादा ना हाई रखना है ना लो रखना है। तो बस ये अब जो रोटी बनाई है ये थोड़ा सा गर्म हो गया, तो अब हम इसके ऊपर डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। तो बस इसको बिल्कुल लो पे अब कर देंगे, तो ये खुद थोड़ा सा फूलेगी, तो फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे ताकि दूसरी साइड से हमारी अच्छे से पक जाए। इसको हम 3 से 4 मिनट एक साइड से पकाएंगे और 3 से 4 मिनट दूसरी साइड से पकाएंगे। तो अब इसकी मैं साइड चेंज करूँगी, बिस्मिल्लाह। तो ये देखें अब इस साइड से भी हम इसको पकाएंगे और इसको अच्छा सा कलर देंगे। तो अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे फिर से, ये देखिए कितना अच्छा माशाल्लाह से कलर इसका आ गया, और आप देख भी रहेंगे कि ये कितने फूल रही है। ये देखें इस साइड से देखें, ये देखें, तो ये देखें माशाल्लाह से फूल के कितना जैसे बलून होता है वो बन गया है। तो सेम इसी तरह मैं सारे बना लूँगी फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारा पीटा ब्रेड कितना अच्छे से रेडी हो गया। तो ये देखें साथ में मैंने बनाया हुआ था सालन कोफ्ते और आलू का, तो ये बहुत मज़ा आता है इसके साथ खाने का। तो चले मैं आपको एक काट के दिखाती हूँ। तो प्लेट में मैं रख के इसको सेंटर से काटती हूँ। तो ये देखें बिल्कुल सेम पीटा ब्रेड जैसी बन गई है। अब इसके अंदर आप फिलिंग कर सकते हैं चिकन के चंक्स की, साथ में कुछ भी आप डाल सकते हैं, वेजिटेबल डाल सकते हैं, सैलड वगैरह डाल के आप इसको मज़े से खा सकते हैं। ये देखें कितना अच्छा बना है, कलर देखें इसका, और ये देखें सेम ये भी है। तो अगर आपको मेरी ये वाली रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फैमिली और फ्रेंड के साथ। दुआओं में याद रखना। न्यू रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।